कौन दीवाना नहीं है। स्पेशली इंडिया में इसका कितना ज्यादा और किस लेवल पे क्रेज है ये तो बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन दोस्तों क्या हो जब बात हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की, फिर तो लोग अपना सारा काम छोड़कर बैठ जाते हैं टीवी के सामने पूरा ग्रुप बनाकर और माहौल बना के। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ रीसेंट मैच एशिया कप 2023 की, और फैंस के लिए तो डबल खुशी की बात हो गई क्योंकि पहला ही मैच उनको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मिल गया। अब दोनों टीम्स के मैच के टाइम पे सोशल मीडिया प्लेयर्स के लिए कितना ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है ये तो हम सभी को पता है, लेकिन अब थोड़ी सी ही ये टॉक्सिसिटी कम हो चुकी है, बट स्टिल कुछ लोग तो होते ही हैं जो किसी भी चीज से खुश नहीं होते। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल रीसेंट मैच के कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं नंबर वन टीम कंपैरिजन से। सबसे पहले तो चुना गया शार्दुल ठाकुर को मोहम्मद सामी की जगह। इस बात से फैंस काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी हैं। फैंस का ये भी बोलना है कि मोहम्मद सामी को और उनके टैलेंट को टीम इंडिया इग्नोर कर रही है और उनको हमेशा साइडलाइन कर दिया जाता है। साल 2015 में इन्होंने इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन 2019 में इनको भुवनेश्वर कुमार के लिए साइड कर दिया गया। उस टाइम भी ये बात फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। अब इन्होंने एक बार बॉलिंग के लिए इंडिया को मैच जिता दिया, लेकिन इनको ये बोल के मैच में साइड कर दिया गया कि टीम को बैटिंग डिपार्टमेंट की जरूरत है, इसलिए शार्दुल ठाकुर को पिक नहीं किया गया। अब जिस रीजन के कारण शार्दुल को सिलेक्ट किया गया वो तो पूरा होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि इन्होंने बनाए केवल 3 रन। अब टीम इंडिया ने बस 3 रन के लिए एक बहुत ही काबिल बॉलर को चांस नहीं दिया। अब वेदर प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा था कि मैच के दौरान हो सकती है बारिश, तो इंडिया के लिए शायद बेटर यही होता कि वो सेकेंड बैटिंग जाएं। बट इंडिया ने पहले चूज किया बैटिंग और दिया पाकिस्तान को 263 का टारगेट, जिसे चेस करना मुश्किल नहीं था। लेकिन बारिश के कारण स्कोर वाइज करके पाकिस्तान को टारगेट मिला 226 इन 36 ओवर। बट एक बार फिर से मैच में रुकावट हुई और बारिश के कारण मैच उसी वक्त रोक दिया गया। टीम के प्लेयर ने हैंडशेक किया और ऑफिशियली गेम खत्म हो गया। अब जरा नजर डालते हैं दोनों टीम्स के प्लेयर्स की तरफ। टीम इंडिया में रहे रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, और पाकिस्तान टीम में थे फखर अजम, इमाम उल हक, बाबर अजम, मोहम्मद रिजवान, अगाद सलमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन इफरीदी, नाजीम शाह, हरीश राव। अब दोनों ही टीम के पास प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों ही थे, बट पाकिस्तान फैंस के फेवरेट बॉलर शाहीन इफरीदी, जो काफी अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने आउट किया रोहित शर्मा की कमजोरी पे वार करते हुए, और इतना ही नहीं उन्होंने आउट किया विराट कोहली को भी। लेकिन बस इतना ही नहीं, मैच में ईशान किशन की बैटिंग ने भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने बनाए 82 रन्स हार्दिक पांड्या के साथ, जिनका स्कोर रहा 87 रन्स और पहुंचाया इंडिया को 138 रन्स तक। अब ये तो बात हो गई इंडिया के रीसेंट मैच की, अब जरा नजर डालते हैं कुछ पुराने रिकॉर्ड्स की ओर। अब तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 59 टेस्ट मैच हुए, 133 ओडीआई, 12 T20 हुए हैं, जो टोटल 204 मैचेस हुए, जिनमें से 73 मैच में जीत हासिल की इंडिया ने और 88 मैचेस में जीत हुई पाकिस्तान की। अब नजर डालते हैं वर्ल्ड कप्स के रिकॉर्ड की ओर। 750 ओवर्स वर्ल्ड कप और T27 वर्ल्ड कप मैचेस हुए, जो मैचेस हुए हैं टोटल 14 मैचेस, जिसमें से 14 मैचेस में हुई है जीत इंडिया की और एक मैच में हुई है पाकिस्तान की। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ऐसी ही अमेजिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। बट जाते जाते कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आप खुश हैं टीम इंडिया की परफॉर्मेंस से।